राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चली है, जिसके चलते मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहा है। केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, जो ठीक नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोसली में एक शोक सभा में पहुंचे थे। शोक सभा में हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बावजूद इसका 5 किलो वजन घटा दिया गया, जो किसान पर अतिरिक्त बोझ है। सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन महंगाई को बढ़ाकर सरकार किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कोसली पटौदी सड़क मार्ग व खंड नाहड़ के पास लगाए गए टोल को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह टोल किस नाम से लगाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सरकार द्वारा जो अतिरिक्त टोल लगाए गए हैं, सरकार उन पर स्पष्टीकरण दे और बताए इन टोलों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि देश में कोरोना लौट रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसमें पंजाब हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा में समय रहते सरकार को सतर्कता दिखानी चाहिए, ताकि कोरोना की बढ़ोतरी रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से जो कोरोना देश भर में फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार को चाहिए कि 45 से 60 नहीं बल्कि हर वर्ग के युवाओं को इंजेक्शन लगवाए, क्योंकि यह संक्रमण युवाओं में अब ज्यादा फैल रहा है। तो ये प्रमुखता से आप लोग ये थोड़ा सा टोल वाला जरूर उठाना, मेरा आग्रह आपसे, क्योंकि ये एकदम से कैसे टोल लगा दिया आपने। दूसरा कि कोरोना एक दोबारा से तेजी से आ रहा है, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीन राज्यों से बहुत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो लॉकडाउन ही हो गया, तो नीचे से आ रहा है, मतलब हमारे हरियाणा के नीचे से, दक्षिण से, हरियाणा के दक्षिण के राज्यों से, और थोड़ा सा पंजाब और दिल्ली में भी। तो हरियाणा में समय रहते सरकार सतर्कता दिखाए, जो भी कोई प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी कोई जो टाइमली जो कार्रवाई करनी है टाइमली कार्रवाई करे। जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को हर एज ग्रुप के लिए, ये जो उम्र की जो पाबंदी है, क्योंकि जो नया जो कोरोना आ रहा है ये युवाओं में ज़्यादा आ रहा है, जो महाराष्ट्र से, ये जो नया म्यूटेशन होकर नया जो है, तो इसमें हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के, हर उम्र के लोगों के लिए ये वैक्सीन की प्रक्रिया पूर्णतः खोली जाए और ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, टेस्टिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाए। डीजल हो या रसोई गैस पे आप देखो, रिकॉर्ड तोड़ रसोई गैस की कीमतें आज पहुंच चुकी है। आज तक अभी इतना ज़्यादा टैक्स, जो मैंने संसद में भी एक बात उठाई कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे देश के 70 साल के इतिहास में किसी सरकार ने अपनी जनता से इतना ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट किया। 3.5 लाख करोड़ कलेक्ट कर रहे जनता से, किसान से इससे ज़्यादा वो ले रहे। किसान सम्मान निधि जो है उसके अनुपात में कुछ नहीं दे रहे, ले ज्यादा रहे। सब्सिडी भी 250 धीरे धीरे 2 रुपए भी लेके छोड़ दिए, 2 रुपए में भी। पेंशन भी आपके आज बड़ी स्थिति की गंभीरता को समझे, खासतौर पे जो हरियाणा की प्रदेश सरकार है, आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप बावल के क्षेत्र में, आज रंगा साहब भी आए हुए, बावल के क्षेत्र के अंदर आप जाके देखे, अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो रही है, पलायन हो रही है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां बंद हो रही है, यहाँ तक कि कहते हैं हीरोंडा में बच्चे निकालने का काम हुआ है, मारुति के अंदर बच्चे निकालने का काम हुआ है, शिफ्टिंग की बातें चल रही है। तो ये एक बड़ी एक चिंतनीय स्थिति आज देश अपना हरियाणा प्रदेश की इकोनॉमी का जो भट्टा बिठा है इस खट्टर सरकार ने, वो आपके सामने बड़ी चिंतनीय स्थिति। सर GDP को लेकर क्या कहेंगे 2014? देखो जहाँ तक वो आपने मेरा देखा होगा राज्यसभा में सारी बात मैंने रखी कि जो आर्थिक विकास दर है, जो नई सीरीज के आधार पे 10 साल यूपी के समय 11.3% पे आर्थिक विकास दर दौड़ रहा था, वो अच्छे दिनों का वायदा था, उससे अच्छा होता नहीं तो कम। आज वो इन 7 साल में, हम कोरोना से पहले का भी देखें, कोरोना में तो चलो ये कहे कोरोना की वजह से वो सही भी है कुछ हद तक, मगर उसमें पहले कोरोना से पहले वो 11.5% से घट के मात्र 6% पे आ गया था, और कोरोना में वो माइनस पे गया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी GDP लुढ़क गई। तो अर्थव्यवस्था इस दिशाहीन नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से इतनी खोखली हो गई थी कि कोरोना आते ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लुढ़की,
दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हुई कोरोना के समय, जो है ये एक बड़ा चिंता की स्थिति है। और जैसे सबसे बड़ा प्रभाव इसमें हर वर्ग में जो बेरोजगारी का पड़ा है, हर घर में एक बेरोजगार तैयार हो गया सब। और बेरोजगारी में भी देश में तो बेरोजगारी है रिकॉर्ड स्तर पे, मगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 23 महीने से हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में। ये एक चिंता की बात है। कैसे बता सकते हैं, हरियाणा में तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए। हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ है, हरियाणा में यूपी बिहार और जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, ये तो बताना चाहिए कहीं ना कहीं इनको बताया। आज उन्हीं आंकड़ों के आधार पे प्रधानमंत्री जी असम में जाके कह रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यहाँ बेरोजगारी कम हुई है। उसी आंकड़ों के टेबल में जो प्रधानमंत्री जी वहाँ जहाँ उसको असम में दिखा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, उसी में सबसे नीचे 23 महीने से हरियाणा है। तो प्रधानमंत्री जी को हरियाणा की भी चिंता होनी चाहिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। ब्रेकिंग न्यूज, राज बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक